शुरुआत करते हैं न्यूज हंड की। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने पर सरकार को बधाई दी गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर बोला हमला, कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ों और मुसलमानों को वोट बैंक समझा। जावड़ेकर ने कहा विपक्ष ने बिना समझे नोटबंदी और काले धन के खिलाफ कार्रवाई का विरोध किया। जावड़ेकर ने कहा कांग्रेस के शासन में गरीब और किसानों को न्याय नहीं मिला। भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर में पीएम मोदी ने जलाभिषेक करने के साथ ही मंदिर में मौजूद सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए। पीएम के साथ मंदिर के मुख्य पुजारियों का एक दल भी गया था। साथ लिंगराज को सभी शिवलिंगों का राजा माना जाता है। पूजा के बाद पीएम मोदी ने पुजारियों के साथ एक फोटो खिंचवाई और उनसे बातचीत की। पीएम मोदी ने मंदिर की विजिटर बुक में साइन किए पुजारियों को स्वच्छता का संदेश दिया। मंदिर से बाहर निकलने के बाद आम लोगों से मिले पीएम मोदी, हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। पीएम को देखने के लिए लिंगराज मंदिर के बाहर लोगों की भारी भीड़, सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों लोग मौजूद थे। भुवनेश्वर में पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मानित किया। 1817 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन चलाया था। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से मिले पीएम मोदी, बोले आजादी का आंदोलन कुछ परिवारों तक सीमित किया गया। बैठक बीजेपी कार्यकारिणी में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। बैठक का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा बीजेपी का स्वर्णिम युग तब तक आएगा जब केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बनेगी बीजेपी की सरकार। भुवनेश्वर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। सूरत में रोड शो करेंगे पीएम मोदी, 11 किलोमीटर का होगा रोड शो कार्यक्रम। सूरत में पीएम के स्वागत में सड़क किनारे लगाई जाएगी 12,000 मीटर लंबी साड़ी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी होगी। लखनऊ और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक का दूसरा दिन, सदस्य यासिर उस्मानी का दावा 3 तलाक के पक्ष में 4 करोड़ मुस्लिम महिलाएं। यूपी के पीलीभीत में विदेश से पति ने फोन पर पत्नी को दिया तलाक, ससुराल वालों पर तेजाब से हमला करने का लगा आरोप। नए वाहनों से ज्यादा वाहन इस्तेमाल न करे अफसर, सीएम योगी का निर्देश, रिटायर्ड अफसरों को सरकारी वाहन लौटाने का फरमान। यूपी के मेरठ में हिंदू युवा वाहनी के पोस्टर्स लगाए गए जिस पर लिखा है उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। कश्मीर पर ताजा हालात पर अन्य से अजीत डोवल ने आर्मी चीफ से मुलाकात की, कश्मीर के हालात पर हुई चर्चा। कल कश्मीर के एक दिन के दौरे पर थे विपिन रावत। श्रीनगर में पत्थरबाजी के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई, एक युवक की हुई मौत, अलगाववादियों का आज बंद। जम्मू कश्मीर के राजपुरा में मेडिकल शॉप में मालिकों के जनाजे में शामिल हुए सैकड़ों लोग, आतंकियों ने की थी हत्या। जीत के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला, साथ देने वालों को धन्यवाद, नतीजों से पता चलता है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में हैं। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन डीरेल मामले में अज्ञात रेलवे अफसर पर केस दर्ज, ड्यूटी के दौरान लापरवाही का आरोप लगा। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल 1.39 रुपये, डीजल 1.04 रुपये महंगा। चेन्नई में विपक्षी पार्टियों ने डीएमके के साथ बैठक की, किसानों के मुद्दे पर चर्चा। तमिलनाडु के किसानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, कर्ज माफी की मांग। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर विदेशी महिला से मिला सैटेलाइट फोन, महिला से पूछताछ जारी। तेलंगाना विधानसभा का विशेष सत्र, मुस्लिम आरक्षण को लेकर चर्चा, बीजेपी ने विरोध किया। तेलंगाना विधानसभा में सीएम चंद्रशेखर राव ने मुस्लिम आरक्षण पर दिया जोर, 12% आरक्षण बढ़ सकता है। हैदराबाद में बीजेपी का चलो असेंबली प्रदर्शन, मुस्लिमों को 12% आरक्षण देने के खिलाफ बीजेपी। पटना के सेक्स रैकेट में आरोपियों को बचाने के आरोप में डीएसपी ममता कल्याणी को हटाया गया, सीआईडी ने दूसरे अधिकारी को जांच सौंपी, पीड़ित परिवार ने लगाए थे आरोप। मुंबई चेन्नई हैदराबाद एयरपोर्ट पर अलर्ट, विमान हाईजैक की धमकी के बाद बढ़ाई गई हवाई अड्डों की सुरक्षा। नोएडा में हिंदू युवा वाहिनी के नेता अंकित चौहान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाइक सवार को गाड़ी से घसीटने का आरोप। नोएडा में बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ लोगों का अनोखा प्रदर्शन, बिल्डर के ऑफिस को बनाया आशियाना।
दिल्ली में रईस दादे की करतूत कैमरे में रिकॉर्ड, सब इंस्पेक्टर को पीटने का आरोप, 14-15 अप्रैल का मामला। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की एलईडी स्क्रीन पर पॉर्न फिल्म चलने से हड़कंप, वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में वायरल। राजीव चौक पॉर्न वीडियो मामले में डीएमआरसी ने जांच के आदेश दिए, निजी स्क्रीन ऑपरेटर पर हो सकती कार्रवाई। दिल्ली में पकड़ा गया ईरानी गैंग, पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को लूटते थे। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में पार्किंग की दिक्कत से लोग परेशान, फुटपाथ पर दुकानों की वजह से ट्रैफिक जाम। संजय दत्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, फिल्म निर्माता शकील नूरानी को धमकी देने का आरोप। मुंबई के हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने की बैठक, तय वक्त पर अतिक्रमण हटाने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में झूठी शान की खातिर पिता ने बेटी और उसके प्रेमी की हत्या की, युवती का शव अब तक बरामद नहीं हुआ। मुरादाबाद में तीसरी बेटी होने पर एक व्यक्ति ने पत्नी को छोड़ा, नानी कर रही है देखभाल, केस दर्ज। यूपी के औरैया में कार में अवैध रूप से गैस भरते वक्त लगी आग, कार का ड्राइवर फरार, आग पर काबू पाया गया। यूपी के महाराजगंज में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल का आरोप। यूपी के चित्रकूट में मौलवी पर छात्राओं ने लगाया रेप का आरोप, मदरसे में शिक्षा लेने आती थी छात्राएं। पंजाब के तरनतारन में महिला सरपंच पर हत्या का आरोप, मारपीट का केस वापस नहीं लेने पर दलित की हत्या की। उत्तराखंड के रुड़की में कार में लड़की से गैंगरेप, नौकरी दिलाने के बहाने हरिद्वार से लेकर आए थे। फैजाबाद में बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या, समाजवादी पार्टी के नेता मोहन जायसवाल पर आरोप, एक महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के फरुखाबाद में पीआर में एक युवक ने आत्महत्या की, पुलिस को मिला सुसाइड नोट। फिरोजाबाद में पत्नी ने पति की गला काट कर हत्या की, शौचालय की मांग करने पर पति को मारा। यूपी के बरेली में महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, आर्थिक तंगी से तंग आकर सुसाइड करने की कोशिश की। आगरा में 4 साल के बच्चे की हत्या, बच्चे के अपहरण के बाद हत्या की गई। झारखंड के पांकुड़ में सड़क हादसे में बच्चे की मौत, साइकिल सवार बच्चे को ट्रैक्टर ने टक्कर मारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हवाला में शामिल 2 युवक गिरफ्तार, आरोपियों के 7 बैंक खाते सीज, पुलिस पूछताछ में लगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सबसे बड़ी ठगी का खुलासा, बैंक में नौकरी के नाम पर 1 करोड़ से भी ज्यादा रकम की ठगी, 4 आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। झारखंड के गुमला में बिजली विभाग ने बिना सप्लाई के गांव वालों को थमाए बिल, 4 महीने से जला है गांव का ट्रांसफार्मर। देवघर के संथाली प्राथमिक विद्यालय में पानी की भारी किल्लत, अपने घरों से पानी लाने को मजबूर स्कूली बच्चे। झारखंड के साहिबगंज में पानी की किल्लत से लोग परेशान, प्यास बुझाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर। बिहार के लहेरियासराय में नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी, सैकड़ों बेरोजगार युवकों से ठगी करके फरार, केस दर्ज। भोपाल में ट्रेन में लुटेरों से भिड़ी एक महिला, महिला को नीचे फेंका, इलाज के दौरान काटना पड़ा पैर, 6 अप्रैल की घटना है। गुजरात में वलसाड की टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक। गुजरात के गिर में शेरों का झुंड सड़कों पर उतरा, इलाके में फैली दहशत। उत्तराखंड के श्रीनगर में अलकनंदा नदी का पानी जहरीला हुआ, हाइड्रो पावर डैम की वजह से नाले में तब्दील। मोबाइल यूजर्स के लिए अच्छी खबर, अगले कुछ दिनों में सभी टेलीकॉम कंपनियां रोमिंग को सस्ती करने जा रही हैं। फेनस क्रीम का ऐड करने वाली मॉडल सोनल सहगल ने माफी मांगी, वीडियो में दिखाया काला सच। फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन के प्रमोशन के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंची एक्टर प्रभास और राणा दुग्गती की टीम, दोनों के बीच पंजा लड़ाने का मुकाबला। दबंग टूर के लिए सलमान का डांस प्रैक्टिस वायरल हुआ, जल्द शुरू होगा 3 देशों का टूर। सैन फ्रांसिस्को फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड इवेंट में गेस्ट स्पीकर के तौर पर शामिल हुए सुपरस्टार शाहरुख खान, इवेंट में कहा अपनी बची हुई बाकी जिंदगी में एसिड अटैक पीड़ितों की मदद करना चाहता हूं। कंगना रावत ने फैशन 2 के लिए मधुर भंडारकर से संपर्क करने की खबर को खारिज किया, कहा सिर्फ पार्टी में आमंत्रित करने के लिए उनका फोन आया था। उत्तर कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण फेल, 1 दिन पहले ही किया था शक्ति परीक्षण।
सीरिया में बम ब्लास्ट, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईएसआईएस के इराकी सेना के साथ लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, सीधी लड़ाई की जगह आत्मघाती हमलों की मदद ले रही आईएसआईएस। ईरान राष्ट्रपति पद के लिए हसन रूहानी ने भरा नामांकन, परमाणु सौदे को सबसे मुश्किल सौदा बताया। कोलंबो में कचरे का पहाड़ धंसा, हादसे में 16 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अमेरिकी रग्बी खिलाड़ी ने अपनी ही 3 साल की बेटी पर कार चढ़ाई, कार पार्क करते हुए हादसा हुआ, बच्ची की मौत। ईस्टर के मौके पर मिस्र में गिरजाघरों की सुरक्षा बढ़ाई गई, 9 अप्रैल को धमाकों में हुई थी 45 की मौत। ट्रकों पर हाईवे फीस लगाने पर रूस में ट्रक चालकों का विरोध, कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। वेनेजुएला सरकार के खिलाफ अर्जेंटीना में प्रदर्शन, अमेरिका सहित कई और देशों ने भी प्रदर्शन की तैयारी की। कैलिफोर्निया में प्रदर्शनकारियों के 2 गुटों में हिंसा, बोतल और कैन में एक दूसरे पर हमला किया। अमेरिका समेत जापान न्यूजीलैंड में होगी ट्रंप के खिलाफ टैक्स मार्च, टैक्स रिटर्न को सार्वजनिक करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश। अमेरिका के फ्लोरिडा के जंगलों में आग लगी, आग बुझाने की कोशिश जारी। कैलिफोर्निया के पाकिंग में आग लगी, 35 गाड़ियां जलकर खाक, आग पर काबू पाया गया। चीन में वाटर फेस्टिवल के धूम, फेस्टिवल में शामिल हुए बच्चे, महिलाओं और जवान। चीन के हुनान में ड्रैगन बोट टूर्नामेंट का आगाज, 500 मीटर रेस में 6 टीमों ने हिस्सा लिया। गुयाना में सेना के अफसर के जू से जंगली जानवरों का रेस्क्यू, अवैध जू को आजाद कराया गया। चीन और यूरोप के बीच रेल माल ढुलाई सेवा बढ़ाई गई, पेरिस और चीन के बीच 3682 कार्गो ट्रेन लॉन्च। न्यूयॉर्क के जू में जिराफ ने बच्चे को जन्म दिया, दूर दूर से देखने लोग पहुंच रहे। चीन में पांडा के एक परिवार को जंगल में छोड़ा गया, पांडा को देखने के लिए लोगों की भीड़।